वाले वो भी घने जंगल में परेशान हो रहा था। थोड़ी ये जगह ठीक लग रही है बैठने के लिए, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, धूप वूप भी है थोड़ी सी। तो गुफा भी तो है। हाँ गुफा भी है, हम चाहे तो यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं, लेकिन हमारे टारगेट कुछ और है तो हमें वहाँ पे पहुँचना है। चलो यहाँ पे रेस्ट करो। हाँ यहाँ रेस्ट कर लेते हैं। वो देखो पीछे क्या हालत हो चुकी है, देखिए गाइस इनकी हालत क्या हो चुकी है, एक्सप्रेशन बता रहे। हाँ ओ कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत ही बढ़िया, चढ़ाई थोड़ी लंबी है और अभी तो ये शुरुआत है, नाइट स्टे किया जा सकता है। हाँ रात को कहीं जगह नहीं मिलती हमें, मिल जाएगी पत्थरों के लिए। ये एक गुफा, तो हमारा रेस्ट इज ओवर, अब हम आए हैं। ये रुके हुए हैं, हमारा वेट कर रहे थे, हमने थोड़ा रेस्ट लिया, खाया पिया। सांस नहीं आ रही तो कहता है अभी तेरी बहू भी आएगी। तुम मेरे धंधे के बारे में क्या जानते? गांधी के धंधे के बारे में क्या? पूरा इंडिया जानता है। बात तो सही है। और जो क्या दो बंदे होते हैं बॉस, इन्हें हमें धंधे हमारे धंधे के बारे में। सुनसान है भाई, देख लो सिर्फ हम ही पांच हैं, बाकी पूरा सुनसान पड़ा। और ये अभी दिन का टाइम कितना हो रहा भाई? डेढ़ बजे। देख लो यहाँ से मेरी व्यू दिख, ओ वो दिख रहा व्यू, ओ यहाँ से दिख रहा है। हाँ पूरी कंचनजंगा दिख रही है यहाँ से तो भैया। हाँ और ऐसा लगता है कि शायद एवरेस्ट कैंप भी वहीं कहीं पे होगा। हो सकता है भाई, बिल्कुल मिल गया व्यू हमें। तो गाइस वो आपको घाटी दिख रही है, ये बीच वाला, हमें यहाँ इस जंगलों में, हाँ ये इस जंगल में, ये जंगल में यहीं रुकना है हमें, यहाँ रुकना है, ये बीच की जो प्लेस है। अभी हम यहाँ देखो गाइस, आप व्यू देखो, व्यू देखो, पीछे हिमालय दिखेगा लेकिन यहाँ पेड़ों की छाया ने, सिविलाइजेशन यहाँ से दो पहाड़ दूर है। जंगल में भी लोग रहते हैं, भयंकर जंगल में नहीं रहते भाई, जंगल में कहाँ रहेंगे, वहाँ पे घर एक भी नहीं दिख रहा। ये देख तीसरा पहाड़ नहीं दिख रहा? हाँ हाँ उधर सोबरा है, वो सोबरा वाला पहाड़ वो है क्या? सोबरा दूर है और हमें वहीं जाना है, तीन पहाड़ पार करके जाना भाई साहब, हमें वहाँ जाना। बहुत जबरदस्त, वो दीवा की पहाड़ी है पीछे, कौन सी? हाँ वो दीवा की पहाड़ी है, और इसके इधर दूधा तूली वाली पहाड़ी है। हम वहाँ पे सब घूम रहे हैं की तरफ। अच्छा पर हम पैदल जा रहे हैं पहाड़ की तरफ, ठीक है? तो वो है उधर बीच में, हम रुकना है जो नदी वदी है वो बीच में, ये जो घाटी दिख रही है बीच में, नदी भी वही है, छोटी मतलब नहर टाइप। अच्छा अच्छा कब तक खत्म होगा ये जंगल? ये जंगल कब तक खत्म होगा? अभी शुरू हुआ है। विद क्लाउड आ रहा है, लग रहा है वो वाले एरिया पड़ता होगा। Thank you.
बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब सही जगह। रास्ता भटक गए क्या? कंफ्यूजन है यार यहाँ पे, पता नहीं अभी तक ये दिख तो रहा है, पता नहीं लेकिन गधेरा सा लग रहा है, नाली सी लग रही है बरसाती। पहले मैं सोचा था यही रास्ता है। अभी ऑप्शन पता है क्या? क्या ऑप्शन? बरसात में ऐसे वाइप आउट हो गया, वापिस चलो। यार मजाक हो रहा है, तो नहीं होता है। वापिस इतना दूर आ गए, 10-12 किलोमीटर तो ट्रैक कर लिया हमने, जहाँ तक हमें रास्ता नहीं मिलता। या फिर दूसरा ये है कि डाउन नीचे को चलते हैं। बच गया। बच गया। तो बताओ यार, थक तो वैसे गए हम। यार ऊपर चढ़ने का मन नहीं है। ऊपर चढ़ने का सीधी बात, नीचे की तरफ चले गए। ऑप्शन नहीं हुआ से, यहाँ से अगर हम सीधा आगे जाएंगे ना उधर को, हाँ तो उधर को है नदी शायद, क्योंकि वो घाटी लग गई मुझे 100% वहाँ पे नदी होगी। तो यहाँ से सीधा जंगल ही जंगल उधर कोई निकलते हैं, या फिर सुअरों को फॉलो करो। सुअरों को फॉलो करो निकल। ये रहा सुअरों के निशान, ये देख, ये जैसे ये सुअर गए हुए हैं यहाँ। यहाँ नेटवर्क आ रहे हैं ना कुछ? नेटवर्क तो नहीं आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम भाई, जाना तो है रास्ता। पानी तो ढूंढना ही, आप पता नहीं हम जहाँ जा रहे थे वहाँ तो नहीं पहुँचे। जंगली मशरूम, जंगली मशरूम, ठीक है। हाँ चलते हैं यार, चलते हैं। भाई साहब ये क्या है भाई? गाइस ये है पोर्क्यूपाइन का कांटा। पोर्क्यूपाइन के बारे में आपने सुना होगा, एक जंगली जानवर होता है, जब उस पर कोई अटैक करता है तो वो एक कांटे ना अपने शिकार के ऊपर छोड़ देता है। वो शिकारी गढ़वाली में इसे सोला बोलते हैं हमारे यहाँ पे। बिल्कुल सोला, सोला ठीक है। तो पूरी बॉडी में इसके ऐसे कांटे होते हैं, छोटे बड़े बड़े कांटे होते हैं, बड़े बड़े। ठीक है, और जब भी कोई जानवर उस पर आता तो वो पूरे जैसे एक पंख टाइप के होते हैं उसके ये, और जब भी कोई आता है अटैक करने के लिए, हाँ। जब भी वो खतरा महसूस करता है तो पूरे वो अपने बॉडी के चारों तरफ फैला देता है। अच्छा, इस पर हमला कोई करना पाए? करना पाए, ओके। और एक ये आपके लेपर्ड वगैरह या बाघ वगैरह के लिए इसका शिकार करना भी बहुत मुश्किल होता है। रास्ता मिल गया। अरे वाह, कौन सा रास्ता है? है यहाँ से गिरा था। ये दो रास्ते जा रहे हैं, कौन सा रास्ता है अपना? अच्छा एक ये भी जा रहा है यार, और एक ये भी जा रहा है। तो गाइस हम एक जगह रुक गए हैं जहाँ पे हम चाय बनाएंगे। लोग अभी लकड़ी ढूंढ रहे हैं जलाने के लिए। ये लकड़ियाँ एकत्रित होती हुई, ये एक फ्रूट है गाइस, माल्टा बोलते हैं जिसे तुम्हारे शहर में मौसमी भी कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मौसमी अलग चीज है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताओ, ये हमारी पब्लिक जानना चाहती है, क्योंकि मैं किसी को भी माल्टा बताता हूँ वो सीधा इसे मौसम ही बता देता है। खट्टा मीठा होता है। अच्छा, नमक मिर्च मसाले के साथ खाया जाता है। संतरे की एक प्रजाति होती है जो पहाड़ों पे ही मिलती है। ओके, तो तेरे उन दोस्तों को नारंगी भी नहीं होगा पता फिर। नारंगी? अब यार नारंगी में क्या फर्क है? छोटी रहती, नारंगी मौसमी से छोटी होती है, हाँ। ज्यादा रस भरी होती है, हाँ। उससे ज्यादा मीठी और टेस्टी होती है। अच्छा। ठीक है, सब ये एक दूसरे के बच्चे हैं, मतलब कुल मिला के फैमिली है ये। सुअरे जिसे समझ नहीं आता है उसे बता दो हिंदी में। रिश्तेदार नहीं, भाई बहन, भाई बहन, रिलेशन, रिलेशन नहीं, आप एज अ फैमिली जो एक साथ नहीं रहते, अलग अलग रहते। अच्छा। जैसे हम दो भाई, हम दोनों अलग हो गए, फिर हमारे जो बच्चे हुए वो सुअरे हैं। बस बस भाई, कितने लेके आओगे लकड़ियाँ? अबे ये तक नहीं चाहिए यार, बस को नहीं पकाऊं। हाँ, जंगल में आग नहीं लगानी।
मुझे भी खिलाने यार एक तो गाइस यहाँ पे आग लगा दी गई है, यहाँ पे भाइयों ने, बड़े भाइयों ने लगाते हैं, जला दी गई है भाई के द्वारा। आग लगाना एक नेगेटिव वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड था यहाँ पे जो मैंने अभी प्रयोग किया, तो भाइयों ने मुझे बताया करेक्ट करा गया यहाँ पे कि आग जलाई गई है, लगाई नहीं गई है। तो यहाँ पे पानी आते हुए और चीनी डालते हुए भाई लोग चाय पत्ती। अच्छा कौन सी कंपनी के? टाटा टी प्रीमियम देसी चाय। टाटा टी प्रीमियम वाला ये नो बेटा मिडिल ऑफ जनरल नो है नो बे हां अदरक भी साइड वाली गेम है। चीनी अदरक हां और इस पर वो गेट आपको अदरक डालते हो भाई लोग समझदार बनो ना। तो गाइस चाय तो बन चुकी है लेकिन गिलास घर में भूल गए। चाय तो बन चुकी है हमारे पास, गिलास नहीं है हमारे पास, चाय है गाइस हमारे पास, बिस्किट है बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ग्लासेस नहीं है। बट ग्लास है यार, हम देख रखे थे यार ग्लास वाले, पांच रखे थे, ठीक है ये तक दिक्कत नहीं है। दो बाकी तेरे छोड़ गया। हां सोची तो गाइस अब हम यहां से चाय पी के निकल रहे हैं और हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट हो चुकी है। सॉरी फिसल रहे हैं भाई ये तो। गाइस बहुत टाइम से हम चलते जा रहे हैं तो हमें ऐसा हमारे कर्नल साहब ने बोला है कि डेस्टिनेशन मिल चुकी है, हमें हम उसी पाथ पे जा रहे हैं। फाइनली हमें अपनी मंजिल मिलने को है। ओ भाई वो तो पूरा भाई फ्रोजन है भाई। हाँ यार